बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर देश में प्रतिबंध लगाने की मांग की है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि पीएफआई के विरुद्ध देश में सांप्रदायिक द्वेष और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में लिप्त होने की पर्याप्त प्रमाण मिलने के बाद बिहार सरकार को केंद्र से परामर्श कर इस संगठन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। पीएफआई इस्लामी छात्रों के संगठन शिमी का बदला हुआ रूप है। इसमें सीमावर्ती प्रदेश बिहार और पूरे देश की सुरक्षा को खतरा बढ़ा है। इस दौरान सुशील मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल कांग्रेस आतंकवादी साजिश में लिप्त पीएफआई को बढ़ावा देती रही। कर्नाटक में जब कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार सत्ता में आई तो उसने वर्ष 2013 में पीएफआई और इसकी राजनीतिक इकाई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसजीपीआई के 1600 कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दंगा करने से संबंधित 176 मुकदमे वापस लिए थे। कांग्रेस सरकार के फैसले से कर्नाटक के विभिन्न इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा और तोड़फोड़ करने वाले पीएफआई के लोगों का दुस्साहस बढ़ा। वहीं सुशील मोदी की इस मांग का नीतीश के मंत्री मदन सहनी ने भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि किसी संगठन के माध्यम से अगर देश विरोधी कार्य किया जा रहा है तो उस पर प्रतिबंध जरूरी है। इधर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। वहीं आरजेडी विधायक ललित कुमार यादव ने कहा कि किस पर बैन लगाना चाहिए या नहीं, यह सरकार का काम है। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना की फुलवारी शरीफ में टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। इस मामले में अब तक 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनकी तलाश जारी है। पीएफआई की आड़ में इनके खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों चलाने के सबूत मिले हैं। यहां अशिक्षित और बेरोजगार युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग दी जाती रही। इस मामले में गजवा ए हिंद व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाले मरगूब अहमद दानिश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़ा था और विदेश में रह रहा है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या पीएफआई पर प्रतिबंध लगाना जरूरी हो गया है? अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।